मॉर्निंग 6 बजे श्री शेख मोहम्मद ओवैसी उनका एज 22 इयर्स रहता है, अलीजा गोडले में रहता, उसे एक कॉम्प्लेंट लिए कॉम्प्लेंट के हिसाब से क्या है बोले तो, कॉम्प्लेंट में क्या है बोले तो, तीन आदमी तीन आदमी फ्रेंड्स आए, उनके लड़ाई लेके उनके लड़ाई करके सोशल मीडिया पे उनका ज्यादा लाइक्स आ रहे बोल के उनके से लड़ाई करके बाहर छोटा बाहर गली के लेके जाके उनको चाकू दिखा के हाथ से और पैरों से उनको मारे। मारने के बाद उसमें एक सोशल मीडिया में अपलोड करे, अटे लाइक्स ज्यादा आने के लिए सोशल मीडिया में अप्लाई करे कोई भी आदमी, उसके हिसाब से हम लोग का क्या करे। कल वो कॉम्प्लेन से क्राइम नंबर 196/2023 अंडर सेक्शन 365 323 506 रेड विद 34 आईपीसी एंड सेक्शन 25 1BB ऑफ आर्म्स एक्ट 1959 में अपन केस करे। केस करके वो लोगों को, ये लोगों के दोनों मतलब एक बाय जोनर एंड उस्मान बोल के दो आदमी के अपन कस्टडी में लेके अरेस्ट करके अभी ऑनरेबल कोर्ट का प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये केस में एसआई नरसिम्हा एसआई इन्वेस्टिगेशन में है, क्राइम टीम में इंस्पेक्टर दिलीप कुमार एंड टीम उन को पकड़ने में बहुत कोशिश करके उन लोगों को पकड़ लिए। पकड़ने के बाद उन लोगों का अरेस्ट, कोई भी आदमी, कोई भी बच्चा नहीं तो कोई भी आदमी ऐसे सोशल मीडिया में वायरल करने के राइडिज्म का वेपन लेकर कुछ भी करे तो हम लोगों का स्ट्रिक्ट एक्शन लेके उन लोगों को पर केस करके ऑनरेबल कोर्ट में प्रोड्यूस करता। ऐसा कोई भी बड़ा आदमी भी बोलो, कोई भी ऐसा बच्चा है तो आप लोगों को समझाना, ऐसा करे तो प्रॉब्लम होता बोल के बोलना, ऐसा करे तो उन लोगों को जॉब में ये पूरा थोड़ा प्रॉब्लम होता। अभी पूरा भी सीसीटीवी कैमरा है, कुछ भी करे तो कोई भी नहीं है, पूरा एविडेंस हम लोग प्रोड्यूस करे तो वो लोग उसको कन्विक्शन होने को चांसेस रहता, उसके लिए कोई भी नहीं करना। कोई भी ऐसा इंटीमेशन पब्लिक कोई भी आ गए तो अपन को पुलिस को इंटीमेशन देना। हम लोग दोनों को अंटे एक बाय जूनियर का और उस्मान का अरेस्ट करे, उसमें दूसरा का कितना जल्दी हो तो उतना जल्दी उनको भी अरेस्ट करे। चाकू भी हम लोग अभी नहीं हुआ सर, ये नाइट में जो